फाइनली हमारे पास आ गया है ओप्पो रेनो 10 प्रो। जी हाँ, 10 प्रो प्लस की भी हमने अनबॉक्सिंग कर रखी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं 10 प्रो प्लस के बारे में। अभी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ 10 प्रो के बारे में। इसमें आपको क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलता है, क्या क्या फ़र्क आपको देखने को मिलता है, कैसी इसकी क्वालिटी होने वाली है, कैसे इसके डिज़ाइन होने वाले, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी हम फटाफट से इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ओप्पो रेनो 10 प्रो 5G। हमने 10 प्रो प्लस की भी अनबॉक्सिंग कर रखी है, उसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको मेन कवर देखने को मिलता है, कुछ पेपर वर्क आपको देखने को मिलता है, ये हमारा मेन डिवाइस देखने को मिलता है। थोड़ी देर में हम इसकी बात करेंगे, साइड में रख देते हैं। इसके अंदर आपको 80 वोट का चार्जर देखने को मिलता है, और प्रो प्लस में आपको 100 वोट का चार्जर देखने को मिलता है। साथ में ही आपको चार्जिंग केबल भी टाइप ए टू टाइप सी आपको चार्जिंग केबल मिलने वाली है। अभी हम इन सबको साइड में रख देते हैं और मेन आते हैं हमारे इस डिवाइस के ऊपर। तो काफ़ी एक आपको प्रीमियम सा ये स्मार्टफोन देखने में लग रहा होगा। सेम आपको कलर जो है वो आपको प्रो प्लस वाला सेम देखने को मिलता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंजमेंट डिजाइन में किया गया है, वो कैमरे को लेके किया गया है। बाकी आपको पीछे की साइड आपको ग्लास ही देखने को मिलता है, बड़ा सा कैमरे का एक मॉड्यूल देखने को मिलता है, बम्प काफी बड़ा दे दिया गया है इसमें कैमरे का। कुछ ओवरव्यू की हम बात कर लेते हैं, तो नीचे की साइड पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, चार्जिंग के लिए चार्जिंग कनेक्टर, माइक और आपको इसमें सिम ट्रे देखने को मिलते हैं। राइट हैंड साइड पे आपको पावर का स्विच देखने को मिलता है, वॉल्यूम रॉकर्स इसमें दिए गए हैं। ऊपर आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए माइक दिया गया है। अभी हम डिस्प्ले की अगर बात कर लेते हैं, इसके अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज पे ये काम करती है। साथ में HDR10 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, 3D कर्व डिस्प्ले हो जाती है। ये काफ़ी एक पीक ब्राइटनेस इसकी 950 आपको देखने को मिलती है, आउटडोर वगैरह में आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। अभी नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है इस स्मार्टफोन की कैमरे की टेस्टिंग को लेके, आउटडोर में आपको ये कैसा कैमरा परफॉर्म करके दिखाता है, इनडोर में कैसा परफॉर्म करके दिखाता है, इसका सेल्फी कैमरा, इसकी जूम की क्वालिटी कैसी होने वाली, सारी ही बातें हम उस वीडियो में करेंगे। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। अभी हम बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 4600 की आपको बैटरी देखने को मिलती है 80 वोट के चार्जर के साथ में ही। ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है विद OIS। जी हाँ, 8 मेगापिक्सल का इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल से थोड़ा सा इंक्रीज करना जरूरी था ओप्पो को, बट ये एक बजट सेगमेंट में आने वाला है, लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास का ये स्मार्टफोन होने वाला है। इसका जो प्रो प्लस जो स्मार्टफोन है उसमें भी अल्ट्रा वाइड आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। 32 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो पोर्ट्रेट वाला लेंस देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी एक बेस्ट होने वाली है। पोर्ट्रेट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 1x और 2x पे होने वाले हैं। इसमें 32 मेगापिक्सल का आपको इसके अंदर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। रियर कैमरे से आप 4K 60fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहीं पे जो सेल्फी कैमरा है वो 1080p 60fps तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वेरिएंट की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर आपको 12GB रैम 256GB मेमोरी देखने को मिलता है। प्राइस का मैं अगर आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि ये लॉन्च होने से पहले ये वीडियो शूट हो रही है, तो लगभग आपको 40 से 45 हज़ार रुपये के आसपास का ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन का 778 5G वाला प्रोसेसर इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो एक काफ़ी एक बेस्ट ये सब परफॉर्म करके दिखाता है। साथ में एंड्रॉयड 13 इसके अंदर दिया गया है विद कलर OS 13.1। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता है डिजाइन को लेके, इसके पोर्ट्रेट मोड कैमरे को लेके, क्योंकि कैमरे को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट इसके अंदर आपको करने को मिलता है। डिस्प्ले काफ़ी एक बेस्ट होने वाली है इस स्मार्टफोन में। तो यही थी हमारी वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।